सो गाइस, आज हम जाएंगे समर वेकेशंस के पहले ट्रिप के ऊपर और आज हम चल रहे हैं सुकराला माता जी के दरबार पे, वहाँ पे हम माथा टेकेंगे। तो सुबह 8 बजे हमने घर से डिपार्चर किया था, अभी हम घर से पठानकोट सिटी जा रहे हैं। पठानकोट क्रॉस करने के बाद फिर हम जाएंगे J&K बॉर्डर के ऊपर और वहाँ पे हमारा कोरोना का टेस्ट होगा। तो जब हमारी कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर हमें अलाउ कर दिया जाएगा J&K में एंटर करने के लिए। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम आगे आपको रूट पूरा का पूरा बताएंगे। सो ये गाइस लेडीज की लाइन है। सो गाइस, मेरा टेस्ट कोरोना का हो गया है और अभी मेरे हस्बैंड का टेस्ट हो रहा है। गाइस, आपने देखा अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का कोरोना का टेस्ट हुआ है और हमारी रिपोर्ट आ चुकी है और हम दोनों नेगेटिव हैं। तो अभी हम सुकराला माता जी के लिए निकल रहे हैं। पर फ्रेंड्स, मैं तो बच गई, मेरा तो टेस्ट नहीं हुआ। अभी मम्मा पापा ने सब टेस्ट करा चुका है और अभी हम माता पे जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चल फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं। सो गाइस, जहाँ पर हमारा टेस्ट हुआ था उस चेक पोस्ट से हमने एक राइट टर्न लिया है। राइट टर्न लेने के बाद काफ़ी आगे जाके मानपुर शहर आएगा, उसके बाद रेहाल्ट आएगा, फिर फिंतर आएगा और फिर लास्ट में बिलावर आएगा। और बिलावर से 7 to 8 kilometers आगे है माता जी का दरबार और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड कठुआ से 75 kilometers दूर है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं फिंतर स्टेशन और यहां से 10 to 15 kilometers दूर है माता जी का दरबार। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब सुकराला विलेज और सुकराला विलेज का जो नाम है वो सुकराला माता जी से ही पड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये माता जी सूखों को हरा कर देते हैं तो इसलिए इनका नाम है सुकराला माता जी। सो गाइज, वेलकम टू सुकराला माता जी। सो गाइज, अभी हम गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर आगे जाके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। लगभग 150 से 200 सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जाके हम सबसे पहले प्रसाद बनाएंगे हलवे का और फिर माता जी के दरबार में माथा टेकने के लिए जाएंगे। कवर कर ली है और हम थक के बैठ चुके हैं और अब इसके बाद हम हाफ स्टेयर्स और कवर करेंगे। हाँ। और अभी सीधा आपको मिलते हैं ऊपर भवन के अंदर। तो चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। आराम से भाई, आराम से। अभी देखो फिर से थक गए दोनों जने। ये मोटी खाती रहती है फिर थक जाती है बाद में। जो तावा
हमारे राकेश भाई साहब हैं, इनकी जो शॉप है वो भवन के बिल्कुल नीचे है। तो जब भी हम सुकराला माता आते हैं तो इनसे ही हम सबसे पहले प्रसाद बनवाते हैं हलवे का, और इनसे ही भेंट लेके हम ऊपर जाते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम सुकराला माता आएंगे तो इनके पास ज़रूर आइए और एक बार इनकी शॉप पे ज़रूर आके विज़िट कीजिए। काफ़ी अच्छा सामान रखा है उन्होंने, और हमारी अनिष्का जो है काफ़ी बार यहाँ से खिलौने वगैरह खरीदती है। तो ये बड़े अच्छे बंदे हैं और आपका अच्छे से वेलकम भी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रसाद बनने की तैयारी हो रही है। ड्राई फ्रूट सारे कट हो गए हैं और अभी यहाँ पे भैया जो है वो हलवा बनाएंगे। सो गाइस, अभी हम यहाँ से हलवा बनवा रहे हैं और माता जी को जो भेंट है वो हलवे के ही चढ़ती है यहाँ पर। तो अगर आप घर से बना के लेके आना चाहते तो घर से भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो गाइज ये मुख्य द्वार है सुकराला माता का, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से लोग जाते हैं, और ये यहाँ पे नीचे हवन कुंड है। जितने भी हवन होते हैं वो यहीं पे होते हैं सुकराला माता आके। तो वहाँ से हम गए थे, एंट्री मेन वहाँ से हमारी हुई थी, उस साइड से एंट्री हुई थी हमारी, फिर अंदर घूम के माथा टेकने के बाद फिर हम यहाँ पे बाहर आए हैं। चलो निष्का चलो, स्लाइम यहाँ पे भी स्लाइम लेनी है। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है सबने, इसके बाद हम घर जा रहे हैं और रास्ते में आपको रणजीत सागर डैम का बहुत फाइन सा बहुत अच्छा सा व्यू दिखाएंगे। और जब रणजीत सागर डैम हम क्रॉस कर लेंगे उसके बाद हम पठानकोट जाएंगे, फिर हम अपने फाइनली घर पहुँचेंगे। सो गाइस देखिए अनिष्का कैसे अभी थक हार के सो गई हुई है, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता अभी इस टाइम, आराम से सोई हुई है। तो गाइस अनिष्का अभी उठ गई है, पहले गाड़ी में देखा अपनी सोई हुई थी, और अभी हम पहुंचे रणजीत सागर डैम में जो सुकराला माता के रास्ते में ही पड़ता है।
इसके ऊपर अभी हम चलेंगे